ये जो गट्स होते हैं ना स्कूल के बच्चों को, सारी स्कूलों को टाई अप कर रखा था कौन सी स्कूल किस वक्त मैदान में होगी। अब छोटे छोटे बच्चे आपके खेल देख रहे हैं, ग्लैमर देख रहे हैं, अवार्ड्स दे रहे हैं, तो आप कितना बढ़िया तैयार कर रहे हो, उससे बड़ी बात एक माहौल बनता है। उससे बढ़िया बात तुम कहोगे वक्त खा गया, फुटेज बहुत खा नहीं। उसमें उन्होंने कहा कि आपकी सीट के नीचे एक फूड पैकेट और एक पूरा उसके मोमेंटो और सारी चीजें हर आदमी को, दर्शक को मिलेंगे। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय एंकरिंग कर रहे हैं, आप यूं निकालोगे तो इतनी सारी चीजें। और रामा राव नायडू साहब से फूड के सारे अरेंजमेंट की, टीवी को तुमको जो दिया दिया, तुमको ये करना, और सब कर रहे हैं, सारे लोग उसमें लगे हुए, एक बड़े उत्सव में बदल दिया। एक और बढ़िया एग्जांपल हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, इन्होंने क्या किया कि 6 महीने पहले जितने भी नेशनल विनर्स थे ना सबको बुला लिया, क्या नागरिकता मतलब यहाँ रहो बसो और आपको गोल्ड मेडल जीतोगे तो 6 लाख रुपए देंगे। अब सारे प्लेयर्स इंडियन हैदराबाद रहे, पीवी सिंधु से लेके आंध्र प्रदेश की तरफ से खेलेंगे आंध्र। अब वो दिल्ली की स्विमर है खेल रही है आंध्रा से, तो आंध्रा के गोल्ड पक्के हो गए। तो एक पत्रकार भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिल पड़े, आप तो कैरी पैकर हो गए, आप तो पैसे के बल पे खिलाड़ी खरीद रहे हो, ये कोई खेल हुआ, आपने हमारे राज्यों के सारे खिलाड़ी खरीद लिए, वो कर लिए, खूब आरोप लगे। आप उस आदमी का विजन देखिए, उसने बहुत धीरे से कहा, हे मिस्टर एक मिनट, इसको 6 लाख रुपया दिया ना मैंने, यहाँ रहने का नौकरी दिया, दिल्ली में जब था इसका जूता देखा था तेरे, फटे हुए जूते से ये दौड़ता था, अब ये 6 लाख लेके क्या कैसीनो में जाएगा या सट्टा लगाएगा, ये 6 लाख लेके अपने पर खर्च करेगा, अपनी प्रैक्टिस पे खर्च करेगा, खाना खाएगा और फिर देश के लिए मेडल जीतेगा, तो तब नायडू का नाम होगा कि देश का नाम होगा, सोच बदलो अपनी। बाप रे बाप, मुझे लगा यार ये विजन आना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 2022 में वो विजन है, लेकिन 2002 में ऐसा विजन हो सकता है एक दो स्टेट में हो, लेकिन हम तो दर दर के क्या है कि वो थे ठोकरें खाने वाले।